हाँ देखिए, यूनिट 2, 3 और 4 के न्यूमेरिकल। सबसे पहले आप हम तुम्हें बताना चाहेंगे किस प्रकार तैयारी करोगे बची हुई टाइम में। देखो, गौर करें सभी लोग। देखो, अपने पास अभी तक 4 दिन में आपने क्या किया ये आप जान सकते हैं। होली मनाई है या आप स्टडी करते रहे हो, ठीक है। हमारा मानना तो यह है कि अभी तक आपको कम से कम एक ब्रांच खत्म करके आए होगे, ठीक है। फिर भी अगर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब आपको काय पे ध्यान देना है। सबसे पहले यूनिट 2, 3, 4 के क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करना है। आज का टारगेट यही है, 2 के, 3 के, 4 के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स कैसे करें तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि अब बात आती है कि स्टूडेंट हर टाइप का है। अब तुम्हें ये देखना है सिंबल आते कि नहीं आते हैं, फॉर्मूला आते कि नहीं आते। जब तक आपको सिंबल और फॉर्मूला नहीं आते हैं आप न्यूमेरिकल्स नहीं ला, तो आप पहले तैयार क्या करें, सबसे पहले सिंबल याद करें, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला याद करें। इसकी हमने क्या बना दिया, आपकी टेबल बनाई है यूनिट 2, 3, 4 की। अगर आपके यूनिट यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट फार्मूला, यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट फार्मूला, यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला लर्न नहीं है वो आपको सिंबल पता नहीं है, तो आप माने कि आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो आज का टारगेट क्या है, यूनिट 2, 3, 4 के न्यूमेरिकल्स। अपन 2 से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स के बाद फिर आप क्या उठाएं, रिएक्शंस, रिएक्शंस के बाद ओटी, ओटी के बाद इक्वेशन, वो KMnO4 O2 से। ये 4 टारगेट जब आप कंप्लीट कर जाओ तब आप नॉर्मल क्वेश्चन पे आए, ठीक है। तो देखते हैं हम आज सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल से बता रहे हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन का। गौर करके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनिट 2 में न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें, कौन कौन से सिंपल है, कौन कौन से टिपिकल है। पहला 2 पार्ट है, एक है तुम्हारा यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स और एक है तुम्हारा क्या है कि कॉलिगेटिव के न्यूमेरिकल्स। उसके बाद 2 न्यूमेरिकल्स किसके हैं, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो जो टेढ़े मेढ़े हैं, उल्टे सीधे हैं, उन्हें हम कराएंगे, सिंपल वाले नहीं कराएंगे, सिंपल वाले तुम्हें खुद करना है। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल से लिखेंगे, लिखें, नोट करें, डिसोसिएशन का न्यूमेरिकल है। बुक से हम बोले दे रहे हैं, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल से लिख लें, तो जब तक आप न्यूमेरिकल्स की आपको हम बताएंगे, न्यूमेरिकल्स आ जाए तो आप कैसे करेंगे। लिखो, पहले एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं। लिखो, व्हेन 1 ग्राम, जल्दी नोट करो, व्हेन 1 ग्राम ऑफ NaCl, 1 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, इन 100 ग्राम वाटर, देन द डिप्रेशन इन द फ्रिजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.604 केल्विन। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl। फिर उसके बाद Kf की वैल्यू दी है 1.85 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बोर्ड पर ध्यान दो, ये न्यूमेरिकल्स को देखो। सबसे पहले कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं उनको न्यूमेरिकल्स नहीं जानते, इनके नंबर डिवाइड रहते हैं। सपोज दैट 3 मार्क्स में आया, कितने में, तो कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो, सबसे पहले गिवन बाई, बिल्कुल जैसे मान लो आपको न्यूमेरिकल्स आपने देखा ऐसा आ गया कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ऐसा लगता है कभी कभी, तो भी आप गिवन बाई लिख दोगे तो एक नंबर मिलेगा। एक नंबर फॉर्मूला लिख दोगे तो एक नंबर उसका मिलेगा, कम से कम 2 नंबर तो मिलेंगे। जैसे आपको नहीं आया तो इतना तो करके आना ही है। देखो, सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं NaCl दिया है, गिवन में क्या दिया है, NaCl का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 58.5। सबको पता है 58.5 होता है, पहले से लर्न होना चाहिए। अब देखो गिवन बाई में डब्ल्यू भी कितना है, 1 ग्राम, 1 ग्राम NaCl डिसॉल्व कितने में, 100 ग्राम वाटर में। तो WA 100 ग्राम है और WB कितनी है, 1 ग्राम। NaCl कितने पार्टिकल देगा, 2, तो N की वैल्यू कितनी हो गई है, 2, 2 पार्टिकल है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आगे देखो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दी है, 0.604 के, KF की वैल्यू कितनी है, 1.85। KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, क्या होता है, मोलर। इसकी यूनिट याद नहीं हो तो ऐसे याद कर ले, कक्का मोल में, कक्का कहां है, कभी कभी ओटी में आ सकती है। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, कक्का मोल में, कक्का मोल मतलब केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। एमबी कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट, वन हाफ फैक्टर आई, इसकी डेफिनेशन याद कर लियो, 100% जाने के चांस है वन हाफ फैक्टर की। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का साइन होता है अल्फा। एक बात ध्यान रखें, जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करा रहा है
वो पूछेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये ध्यान रखना, तो आपको मॉलिकुलर वेट और वान ट्रैप फैक्टर पहले ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जब तक ये कैलकुलेट नहीं होंगे तब तक डिसोसिएशन आप कैलकुलेट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो गिवन बाई आप लिख दोगे, एक नंबर हो गया। अब आपको आगे नंबर आए या ना आए, यहां तक एक नंबर हो गया, इतना तो सब लोग ही कर लें, कर सकते हैं। फिर फॉर्मूला नोट करो, फॉर्मूला लगाओ, एमबी का फॉर्मूला कैसे याद करते हैं। देखो हमें एमबी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हमने लॉजिक बताया है के डब्ल्यू कब और टी डब्ल्यू तबा, कब तबा पे 1000 कैसे याद करना है। मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, कब तबा पे 1000, हम तबा पे 1000 को नोट रख रहे हैं, क्यों, हमें मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट कराना है। तो के डब्ल्यू कब, टी डब्ल्यू तबा इंटू 1000। अब ये के एफ जानते ही है, तो ये कॉन्स्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट है, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन है, और ये डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है 1000 है। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द जो डब्ल्यू के एफ की वैल्यू कितनी आती 1.85, ये लिखिए, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 1 लिख दी हमने, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 0.60, 100 2 से 20 कट हो गई, 10 का मल्टीप्लिकेशन किया कितना आया 18.5, डिवाइड कर दिया कितना आया 30.62, मॉलिकुलर वेट कितना आ गया 30.62 ग्राम मोल इनवर्स, यूनिट होती है ग्राम मोल इनवर्स, ध्यान रखो ग्राम मोल इनवर्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड पॉइंट वान ट्रैप फैक्टर, वान ट्रैप फैक्टर आई, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो एक्चुअल मॉलिकुलर वेट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेट वैल्यू से, जो हमने कैलकुलेट किए। एक एमबी कौन होती है, जो फॉर्मूला के द्वारा कैलकुलेट आती है, एक एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दिया किससे, कैलकुलेट वैल्यू से, तो हमें क्या निकल आता है वान ट्रैप, कितना है वान ट्रैप 1.99। ध्यान रखना जो फॉर्मूला द्वारा पहले से वेट था उसको इस फॉर्मूला द्वारा जो कैलकुलेट करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल आता है 1.91। अब देखो 1.91 आ गया, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, किसका है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मूला याद कर लो, अल्फा इक्वल आई माइनस वन एन माइनस वन। अब आई क्या है 1.91 है, माइनस वन, एन की वैल्यू 2 थी, 2 माइनस वन, जहां सॉल्व कर देंगे 0.91, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई 91%, तो तुमने देखा इसमें कितने स्टेप थे 3, पहले एमबी कैलकुलेट करोगे, फिर वान ट्रैप फैक्टर कैलकुलेट करोगे, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ, तो आपको 3 फार्मूला पता होना चाहिए, अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाओगे। तो आप यूनिट 2 के हमने फार्मूला लिखाए हैं, अगर आप पे नहीं है, किसी पे नहीं है, तो आप हमसे मांगे तो हम उसे दे देंगे, फार्मूला याद होने चाहिए। फिर अगला देखो, आगे देखते हैं इसमें, अगला है सेकेंड न्यूमेरिकल्स, ये देखते हैं आगे, फिनॉल वाला, एसोसिएशन वाला, अब हम दूसरा देख रहे हैं एसोसिएशन, ठीक है। देखो आप ये इसका जो लैंग्वेज है वो आप बुक से देख सकते हैं, ठीक है, हम समझा देते हैं इसमें क्या कह रहा है न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स ये कह रहा है, अब एसोसिएशन का है सेकेंड, अभी डिसोसिएशन था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब क्या है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन माने कंबाइन होना, वो कह रहा है कि फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, कितने फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, और फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 94, हमने लिख लिया, लर्न कर लो फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 94। अब आगे देखो 2 ग्राम फिनॉल कह रहा है, कितने ग्राम 2 ग्राम फिनॉल को 100 ग्राम वाटर में क्या कर रहा है या बेंजीन में डिजोल्व कर रहा है, ठीक है, बेंजीन में डिजोल्व कर रहा है 100 ग्राम बेंजीन में, तो ये डब्ल्यू बी 2 ग्राम 100 ग्राम ये बेंजीन है, केएफ की वैल्यू कितनी है गिवन होगी 5.12 बेंजीन के लिए, डेल्टा टीएफ कितना है 0.69 डिग्री सी, ये वैल्यू ये दोनों ये वाली वैल्यू पुट है माने गिवन है सॉरी, एमबीआई एसोसिएशन कैलकुलेट करना है, अल्फा एसोसिएशन कैलकुलेट करना है, आई वान ट्रैप फैक्टर है, और ये एमबी कैलकुलेट करनी है, वही बिल्कुल वही तरीका है, बिल्कुल हमने एमबी लगाया, अभी हमने बताया था एमबी का फॉर्मूला क्या होता है, कब तबा पे 1000, ठीक है, के डब्ल्यू कब टी डब्ल्यू तबा, ठीक है, ऐसे याद कर लो, के एफ की वैल्यू कितनी है चेंज हो गई 5.12, डब्ल्यू बी कितनी हो गई 2 हो गई, डेल्टा टी एफ कितनी है 0.69, डब्ल्यू 100 ये बन था 0 कट गए, सॉल्व किया तो इतना आया, डिवाइड किया इतना आया, चिकाय की वैल्यू आ गई एमबी की, यूनिट है ग्राम मोल इनवर्स, बिल्कुल तरीका वही है। फिर देखो आगे वान ट्रैप फैक्टर, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 94, कैलकुलेट वैल्यू कितनी थी कितना आया 0.633, काय की वैल्यू आ गई वान ट्रैप। अब ये देखो पहले लगाओ तो काय को डिसोसिएशन को, अब
एसोसिएशन में क्या, वन आई माइनस वन, वन अपॉन एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लो। देखो एक डिसोसिएशन का है, एक एसोसिएशन का है, अल्फा आई माइनस वन वन अपॉन एन माइनस वन। क्या डिफरेंस है, वन अपॉन एन है, पहले कहा थी ओनली एन, वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू रखी माइनस वन, वन अपॉन टू, तो समझ गए कैसे आ गया है। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.734% 73.4, कितना आंसर आया 73.4%। ये एसोसिएशन है, तो ये डिसोसिएशन एसोसिएशन सबसे पहले 2009 में आए थे, बहुत पहले आए थे। फिर एक बार और रिपीट भाई, बीच में यस याद नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स दोनों दो बार आ चुके हैं। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन एक एक तरीका हमने बता दिया, इसमें कितने स्टेप हैं, थ्री हैं, कितने नंबर में आ सकता है, थ्री में। तो हमें काय को फॉर्मूला पता होना चाहिए डिसोसिएशन। अब इस हमने न्यूमेरिकल्स लगाया, कभी कभी कोई क्वेश्चन यहीं से उठा लें, बांठा फैक्टर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या वो ये कह सकता है गिव द रिलेशन बिटवीन एसोसिएशन एंड बांठा फैक्टर, तो यही फॉर्मूला लिखना है। या वो कहा गिव रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन एंड बांठा फैक्टर, तो पहले वाला फॉर्मूला लिखना है। कहो इतना ही पूछना है दो नंबर में, तो आप केवल फॉर्मूला लिखना है अपन को। अच्छा और क्या पूछ सकते हैं, वो ऐसा पूछ सकते हैं कि मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला कैलकुलेट करो काय की हेल्प से, डिप्रेशन एंड फ्रिजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ की हेल्प से क्या एमबी का फॉर्मूला कैलकुलेट कराओ। तो इस न्यूमेरिकल से तीन क्वेश्चन और निकाल के पूछ सकते हैं, इन्हें भी आप तैयार कर लें। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कौन से न्यूमेरिकल से देखते हैं। अगला हो गया है आपके, ये टू हो गए, अभी आ जाए, ये थोड़ा ट्विस्टेड है न्यूमेरिकल, इसको थोड़ा ध्यान देना है, ये कई बार आया है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट होता है। माने हम बेनुमेरिकल से बता रहे हैं जो माने कि थोड़ा परेशानी देते हैं कई लोग, जबकि हैं बिल्कुल सिंपल, जहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आजा आता है तो सरल है, सीधी बात, नहीं आता है तो कठिन है। तो अब देखो, अब ये कैसा है, इसके क्या है, इसमें आपको वो कह रहा है कि एक लाइन लिख लो इसके, ये लिखना जरूरी है, ये लिख नोट करो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा जब लिखेंगे आप। नहीं लिखें, इसमें न्यूमेरिकल हम लिखा देते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखो इसमें, बोलो एक लाइन लिख के आएगी, एन एक्वा सॉल्यूशन, एन एक्वा सॉल्यूशन फ्रिज एट माइनस 0.385 डिग्री से, माइनस 0.385 डिग्री से डिटरमाइन द एलिवेशन इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ब्रैकेट में देखो के एफ इक्वल 3.85 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और के वी इक्वल, आगे लिखो के वी इक्वल 0.712 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखो आ जाओ देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से गौर करें, गिवन बाय लिखेंगे सबसे पहले, न्यूमेरिकल को पढ़ोगे तो हम अच्छे से देख, टीएफ की वैल्यू साफ दिए माइनस 0.385 डिग्री सी, दिए कि नहीं दिए, माइनस में दिए, मिसप्रिंट होके आ सकता है प्लस में, कई बुकों में प्लस लिखा है, ध्यान रखना प्लस करके न्यूमेरिकल नहीं आएगा, माइनस कर लेंगे। टीएफ की वैल्यू कितनी है माइनस 0.385, और टीएफ जीरो की वैल्यू तो हम जानते हैं जीरो डिग्री सेंटीग्रेड होती है भाई, हम जानते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, जीरो डिग्री सी होता है, तो जो तो हमने अपनी तरफ से लिख लिया जीरो। अब टीएफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो है, और टीएफ की वैल्यू कितनी है, तो एक फॉर्मूला होता है याद कर लो, डेल्टा टीएफ इक्वल टीएफ जीरो माइनस टीएफ। ये फ्रीजिंग पॉइंट काय का है, प्योर सॉल्वेंट का, ये काय का है, सॉल्यूशन का है, वैल्यू रख दो जीरो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितनी आ गई डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन। अब देखो केएफ की वैल्यू ये गिवन है और केबी की वैल्यू गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है डेल्टा टीबी, तो हम फॉर्मूला काय को लगाएंगे, ये ध्यान रखना जो कैलकुलेट करना है उसी का फॉर्मूला सीधा अप्लाई करो, डेल्टा टीबी केबी है। अब डेल्टा टी केबी की वैल्यू तो 0.712 है, एम की वैल्यू पता नहीं थी पहले, हमें यहां एम की वैल्यू पता नहीं है, तो हम एम की वैल्यू इस फॉर्मूला से लगाएंगे। ये फॉर्मूला याद ना रहा तो एक लॉजिक बता दें, जैसे अपन लड़ाई हो जाता है किसी तो अपनी का ठीक में दे दें, कैसे याद कराओगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है डेल्टा टीवी का तो क्या लॉजिक है, टीक में दें, तो टीक टीक में दवा टी के एम काय के बॉइलिंग के अकॉर्डिंग, काय के जी काय के अकॉर्डिंग है
बॉयलिंग के। और जो ये फॉर्मूला देखो यूं तो टीक में है, देखो गौर करके देखो दोनों में एक लॉजिक है टीक में दें। अब देखना जे बॉयलिंग के अकॉर्डिंग है, जे काय के अकॉर्डिंग है, फ्रिजिंग के, एक फ्रिजिंग के अकॉर्डिंग है एक बॉयलिंग के। दोनों फॉर्मूला समझ गए कैसे याद करना है। अच्छा अब देखो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 0.385, के एफ की वैल्यू कितनी है 3.85, हम काय की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एम की, साठ चेंज कर दो तो एम की वैल्यू कितनी आएगी 0.1, हमने एम की वैल्यू रख दी, सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आंसर आ गया। तो जामा ट्विस्ट क्या है, जामा ट्विस्ट ये है कि बेटा देखो उसमें थ्री फॉर्मूला लगाए, पहले हमने क्या कैलकुलेट करी डेल्टा टी एफ, क्या करी, फिर हमने क्या कैलकुलेट करी एम, तब कहीं आके जो आंसर आएगा। तो आपको इसमें क्या याद करना है, जब हमें दो लॉजिक याद करने हैं, पहले तो हमें फॉर्मूला याद हो किसके, डेल्टा टीवी के, डेल्टा टीएफ के, फिर हमें ये भी फॉर्मूला याद हो, थोड़ा सा ट्विस्ट था, फिर एक बार इसे देख लें। सबसे पहले अपन को इसमें डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें काय की वैल्यू कैलकुलेट करना है, एम की वैल्यू, फिर एम की वैल्यू हमें पुट करना है, तभी आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 3। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, हर साल आता है, उसको भी देख लो, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये देख लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, जैसे वो पहले हिंदी में क्या लिखा है, वो कह रहा है 27°C टेम्परेचर, ठीक, 5% ग्लूकोज एक्वा सॉल्यूशन, कैसा अपन को 5% एक्वा सॉल्यूशन का क्या कैलकुलेट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये R की वैल्यू दी है और MB की वैल्यू दी है, ये न्यूमेरिकल ऐसे लिख के आएगा, अपन को क्या लिखना पड़ेगा, गिवन बाय, ये फॉर्मूला लिखे हैं, क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के, परासरण दाब हिंदी में कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कहते हैं, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर का जैसे है तो पाई की फॉर्मूला होता है बारात में भी, कैसे याद करोगे, अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का, देखो सबसे पहले क्या होता है, हमने कहे फॉर्मूला लर्न हो, हमने वैसे फॉर्मूला की लिस्ट बताई, तरीका बताया कैसे याद करोगे, हाल की आज भी बताते जा रहे हैं, जैसे मानो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या लगाते हैं, गिवन बाय, क्या लिखते हैं, सबसे पहले गिवन बाय लिखते हैं, ठीक। और हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, देखो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला ऐसे याद रहेगा, गौर करना, एक छोटा सा लॉजिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, बारात ऊपर रहे चाहिए, बारात और मैं वे, बारात में वे, बस इतना फॉर्मूला याद रहे, बारात ऊपर रहनी चाहिए और मैं वे नीचे, ठीक। अब आ जाए इधर, जैसे ही नुमेर का पढ़ते हैं क्या कह रहा है, वो 27 डिग्री सी ये टेम्परेचर दिया 27, जब भी डिग्री सी में वैल्यू दी हो हम उसे काय में चेंज कर लेंगे, केल्विन में, कितना अटैच कर देंगे 273, ध्यान रखना अगर डिग्री सी में दिया तो काम चेंज करना है केल्विन, बट ये केवल कहाँ करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में, और कहीं नहीं, और कहीं जैसा है वैसा रखोगे, ठीक है। अब हमने ये चेंज कर लिया 300 केल्विन, फिर डब्ल्यू बी कितनी थी 5 ग्राम, कितनी दी है, कहाँ से पता चली थी 5% है, अगर 6% होती तो कितनी हो जाती 6 ग्राम, अगर डब्ल्यू ए निकालना तो 100 में से 5 का कितना 95, बट यहाँ डब्ल्यू ए की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एम बी कितना गिवन है 180, ग्लूकोज का कितना होता है 100, R की वैल्यू 0.0821, जाकि यूनिट अगर याद नहीं हो रही है तो लॉजिक है लटक मत टपक जाएगा, डीसीएम में लिखा रहता है नहीं, लटक मत, लटक मत, लीटर एटीएम कैलेंडर मोल इनवर्स यूनिट है इसकी। देखो पाई क्या है, क्वेश्चन मार्क है, वॉल्यूम कितना था 100 ml, मिलीलीटर काम चेंज करोगे लीटर में, 1000 से डिवाइड कर दोगे 0.1 लीटर, ये तो थी गिवन भाई, हमें फॉर्मूला किया पुटिंग द वैल्यू, हमने देखो डब्ल्यू कितनी निकली 5, R की वैल्यू, टी की वैल्यू, एम बी की वैल्यू सॉल्व करो कितना आएगा 6.84 atm। अच्छा एक बात और है, जैसे मान लो तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आ रही है, नहीं कर पा रहे हो, तो पाई इक्वल है, जगह छोड़ दो atm लिख दो, आधा नंबर कटेगा, कितना कटेगा, कैलकुलेशन नहीं आ रही तो आधा कटेगा, बाकी सब मिलेंगे। कई बार ऐसा आता है गिवन बाय लिख लेते हैं आप, फॉर्मूला सही हो जाता, पुटिंग द वैल्यू भी सही हो जाती, बट आप कैलकुलेट में वहां कांटा प्याली मत करो, जैसे आपको नहीं आ रही है तो आप मत करो, केवल यूनिट का नेम लिखे हो, काय को आधा अंक कटेगा बाकी आपको मिलेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, तरीका हमने तो बताया कैसे करना है, जैसे मान लो आप कभी नुमेर का ऐसा फंस गया बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको गिवन बाय और फॉर्मूला और वैल्यू को पुट करके आना है, कैलकुलेशन छोड़ दें, यूनिट जरूर लिख दें, क्या लिख दें, तो आपको आधा नंबर का नुकसान होगा बाकी मिलेंगे। तो आपको हमने अभी कितने बताए, 4 numericals बताए, अब और बता रहे हैं, ध्यान दो, आगे देखते हैं।
तो जे इतने पहले नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हर्षित,